everyone. Hello, how are you? Due to COVID, we are not able to teach in the school. So we are trying to provide you videos. But you should have to learn at home and recognize and to prepare it properly. Because while you are coming in the school, we are only revise the chapter. We are not going to deeply explain it. Okay? So just now I am going to explain your first chapter. In this year we have EVS instead of science. Okay? Look at this. This is your EVS book for standard 3rd. Okay? And today we are going to start your first chapter. Chapter name is Poonam's Day Out. Ma, please let me go to school today. I have been at home for the past 2 days. पूनम नाम की लड़की बोल रही है कि माँ कुछ दिनों से मैं घर पर हूँ तो मुझे बाहर जाने दो. I am getting bored, said पूनम. मैं बोर हो रही हूँ. But you still have fear, so go outside and lie down on the cot, replied माँ. पूनम ने बोला कि भाई मैं कुछ दिनों से घर में हूँ तो मुझे बाहर जाने दो, मैं बोर हो रही हूँ. तो उसकी मम्मी क्या बोलती है कि बेटा अभी तक आपको बुखार है, फीवर है, तो घर के बाहर जाओ और वहाँ पर जो कोट है, मतलब सोने के लिए जो बेड है, वहाँ पे जाके आप रिलैक्स करो. पूनम फेल अस्लीप ऑन द कोट. सडनली समथिंग फेल ऑन हर फेस. पूनम वेक अप एट वंस एंड टच्ड हर चिक. पूनम है वो कोट पे जाके सो जाती है और सडनली अचानक क्या होता है, समथिंग फेल ऑन हर फेस, उसके चेहरे पे कुछ गिरता है. तो पूनम जाग जाती है और अपने चिक, अपने गालों को टच करती है. ओह नो, हूज मिस्चीफ इज दिस, उसने बोला अरे ये किसने किया. इट इज द क्रो और द पिजन्स. इज इट द क्रोस और द पिजन्स, मतलब ये कौवे का काम है या पिजन का, मतलब कबूतर का. इट सीम्स इट्स द क्रोस, मतलब उसके चेहरे पर किसी बर्ड की सिट गिरती है तो वो सोचती है कि ये किसी क्रो ने किया है या किसी कबूतर ने. उस फिर वो ऐसे डिसाइड करती है कि डेफिनेटली ये क्रो का काम है, कौवे का काम है. नाउ नेक्स्ट, ये पिक्चर देखो. यहाँ पे एक ट्री का पिक्चर दिखाया है और उसमें आपको अलग अलग एनिमल्स दिखते हैं, जैसे ये पिजन है, ये मंकी है, ये स्पैरो है, ये बटरफ्लाई है, पैरोट, फिर ये स्पैरो, ये मैना है, सॉरी हाँ, ये क्रो, ये स्पिरल, और ये एंट की लाइन जा रही है. देख रही है आपको ब्रांचेस पर एंट जा रही है, यहाँ पर भी एंट है. तो ये सब जब आप किसी पेड़ को ऑब्जर्व करोगे तो आपको नजर आएगा. ओके, नाउ नेक्स्ट पेज, लुक एट दिस पेज. पूनम लुक्ड अप, सी सो मेनी एनिमल्स ऑन द ट्री. व्हिच एनिमल्स कैन यू स्पॉट ऑन द ट्री इन द पिक्चर. इसमें आपको क्वेश्चन किया है कि भाई आपको ट्री पर कौन कौन से एनिमल्स आइडेंटिफाई हुए हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि भाई इतने इतने एनिमल्स हैं. तो वो जब आप स्कूल आओगे या आपके पास बुक होगी तो यहाँ पे आपको उसके नाम लिखने हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट. पूनम पिक्ड अप अ लीफ फ्रॉम द ग्राउंड एंड वाइप्ड हर चीक विथ इट. बट हर चीक वॉज स्टिल स्टिकी. सी थॉट लेट मी गो एंड वॉश माई फेस इन द नियर बाय पॉन्ड. पूनम ने क्या किया कि अभी वो अपने घर के बाहर आंगन में कोट पे लेटी हुई थी और चेहरे पर जो सीट गिरा तो वो घर में नहीं गई. उसने क्या किया, एक पत्ता उठाया और अपने गाल को साफ किया. लेकिन पत्ते से गाल साफ अच्छे से हो सकता है क्या? नहीं ना, वी कांट फील फ्रेश. तो उसने क्या किया कि नहीं अभी थोड़ा चिपचिपा लग रहा है तो चलो. उसके घर के पास एक छोटा सा पॉन्ड था तो वो पॉन्ड में अपने चिक को धोने जा रही है. नाउ यहाँ पे ये आपके पॉन्ड का पिक्चर है
और इसमें भी आपको सेम थिंग करनी है कि ये जो पॉन्ड में एनिमल्स दिख रहे हैं इन सबको आइडेंटिफाई करके यहाँ पे नाम लिखने हैं, जो कि मैं आपको रिकॉग्नाइज करवा रही हूँ। दिस इज बफेलोस, दिस इज क्रेन, टर्टोइस, गोट, फ्रॉग, लार्क। ओके, नाउ दिस मच एनिमल आई कैन सी ओवर हियर, सो यू शुड हैव टू राइट डाउन द नेम ऑफ द एनिमल्स ओवर हियर। ओके, नाउ ऑन दिस पेज आपने देखा होगा कि जब आप कहीं पे फार्म पे जाते हैं या जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ है वहाँ पर, तो आपको एनिमल अलग अलग तरह के तो दिखते हैं, पेड़ पे हैं, उसकी ब्रांच पे हैं, लीव्स पर हैं, उसकी ट्रंक पर हैं, लेकिन वो एक ही जैसे आवाज़ होती है क्या उनकी? नहीं ना, क्योंकि अलग अलग बर्ड्स की भी आवाज़ अलग अलग होती है, एनिमल्स भी अलग अलग साउंड करते हैं, उनमें से कुछ के तो हम अच्छे से सुन सकते हैं लेकिन कुछ के साउंड हमें नहीं सुनाई देते। तो जिनके भी साउंड हम सुन सकते हैं हमें उनको रिकग्नाइज करना सीखना है। रिकग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई कि किसकी आवाज़ कौन सी है, जिसे आप क्रो की आवाज़ समझ सकते हो, है ना, कि जब की आवाज़ सुनाई देती है तो आपको पता चलता है कि यह क्रो बोल रहा है। फिर ऐसे ही है कि आपको म्याऊं आवाज़ आती है तो आपको पता चलता है कि वो कैट बोल रही है। बाव बाव ऐसे बार्किंग की आवाज़ आती है तो आपको पता है कि भाई वो डॉग बोल रहा है। तो अभी ऐसे कभी कभी अगर टाइम मिलता है ना तो ये काम भी किया करो, अपनी टेरेस पर जाओ या कहीं नियर बार जा सकते हो, अभी तो थोड़े हमारे लिए लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब भी पॉसिबल हो ये चीज़ करो, कहीं ओपन प्लेस में जाओ और डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स और बर्ड्स की आवाज़ें रिकग्नाइज करने की कोशिश करनी है। ये आपका एक खुद का डेवलपमेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, यहाँ पे देखो, डिफरेंट एनिमल मूव इन डिफरेंट वेज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अलग अलग एनिमल्स जानवर हैं वो एक जगह से दूसरी जगह अलग अलग तरीके से जाते हैं। सम एनिमल्स वॉक, सम क्रॉल, सम फ्लाई एंड सम स्विम। कुछ एनिमल वॉक मतलब चलते हैं, सम क्रॉल, क्रॉल मतलब ऐसे घिसकते हुए अपने छोटे छोटे पैरों से अपनी बॉडी को मूव करवाते हैं, या जिस ऐसे भी कुछ एनिमल हैं जिसके पैर नहीं होते हैं तो वो अपनी बॉडी पर ऐसे उसके अरेंजमेंट होती है कि जिसके थ्रू वो अपनी बॉडी को आगे मूव करते हैं, सच एज स्नेक। स्नेक के पैर होते हैं नहीं ना, तो स्नेक भी तो मूव करता है ना, लेकिन उसकी बॉडी पर जो स्पेशल स्ट्रक्चर होता है उसकी स्किन का, उसके थ्रू वो मूव करता है, उसको हम क्रॉलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रॉलिंग। सम फ्लाई मतलब कुछ उड़ते हैं, सच एज बर्ड्स। सम स्विम मतलब कुछ, सम फ्लाई एंड सम स्विम मतलब जो बर्ड्स हैं वो उड़ते हैं और कुछ इंसेक्ट भी फ्लाई करते हैं, फ्लाई मतलब उड़ना, एंड सम स्विम, स्विम मतलब तैरना, कुछ हैं जो तैरते हैं। फॉर दिस सम एनिमल यूज देयर फीट, फॉर दिस मतलब कि मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ एनिमल किसका यूज करते हैं, तो के फीट मतलब अपने पैरों का। सम यूज देयर विंग्स, कुछ अपने विंग्स मतलब पंखों का वो यूज करते हैं। सम एनिमल इवन टेक द हेल्प ऑफ देयर टेल, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हैं। अभी देखो पूंछ का कैसे इस्तेमाल होता है, सोचो। मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आपके घर में वॉल पर लिजार्ड को क्रॉल करते हुए देखा है? वो अपने पैरों के साथ अपनी टेल से भी बैलेंस बनाती है और आगे बढ़ती है। तो ये है यूज ऑफ टेल इन वॉकिंग और मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ क्लियर? ओके, नेक्स्ट, यू मस्ट हैव सीन मेनी एनिमल्स टू, टू मतलब पण, गुजराती में जिन्हें पण कहवा, ये टू वो है, टू मतलब टू वर्ड्स वाला टू नहीं है बेटा। राइट विच ऑफ देम मतलब इसमें हमें क्या करना है कि अलग अलग एनिमल कैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जाते हैं, उनको लिखना है उसके नाम।
जैसे कैन फ्लाई, ये मैं आपको आज होमवर्क दे रही हूँ, एक एग्जांपल दे रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग आप होमवर्क करके रेडी रखना और अपने पेरेंट को फिर बताना कि ये सही है या गलत। ओके, देखो मैं वापस एक्सप्लेन कर रही हूँ। कैन फ्लाई मतलब जो उड़ सकते हैं, ऐसे एनिमल। तो सबसे पहले आप उसको पेरोट, स्पीजन ये सब लिख सकते हो। इंसेक्ट में कौन उड़ता है? गेस इट, यस बटरफ्लाई। बटरफ्लाई उड़ता है ना, तो बटरफ्लाई इंसेक्ट है, तो वो भी आप लिख सकते हो। आपको शायद अभी पता नहीं होगा कि अलग अलग बर्ड ये है, इंसेक्ट ये है, तो मैंने एक एग्जांपल बताया आपको। तो उड़ने वाले तीन एनिमल के नाम यहाँ लिखने हैं, उसके स्पेलिंग लर्न करने हैं। फिर कैन क्रॉल, क्रॉल मतलब अपने छोटे पैर या बिना पैर के अपनी बॉडी को घसीट कर जो आगे जाते हैं, क्रॉलिंग करते हैं, जैसे कि क्रोकोडाइल, ठीक है। स्नेक तीसरा आप लिखोगे। ओके, नाउ कैन वॉक, ये आपको आता है, जो अपने दो या चार पैरों से चल कर जाते हैं वो। ओके, फिर है हॉप, हॉप मतलब कूद कर जाते हैं वो, जैसे कि मंकी। फिर है हैव विंग्स, जिसको पंख है, उसके तीन नाम, कोई भी बर्ड। हैव फीट, जिसको पैर है, ऐसे एनिमल के नाम। हैव टेल, जिसको पूंछ है, ऐसे एनिमल के नाम आपको लिख कर रखने हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगले सेशन में वापस मिलेंगे। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।